हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू कैंपस एक्स। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है बिकॉज आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक टू श्याम। सो श्याम इज़ अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, करेंटली ही इज़ इन हिज फोर्थ ईयर और द ग्रेट पार्ट इज़ कि ही हैज़ क्रैक्ड अ फुल टाइम डेटा साइंस जॉब इन सेलेबल टेक्नोलॉजीज विद अ वेरी इंप्रेसिव पैकेज ऑफ 11 LPA। ठीक है, तो द होल गोल ऑफ दिस वीडियो इज़ कि आई एम गोइंग टू टॉक टू श्याम और वी विल हैव अ स्मॉल इंटरव्यू जहाँ पर हम लोग बात करेंगे अबाउट हिज इंटरव्यू एक्सपीरियंस, हिज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड ऑल द रिसोर्सेज दैट ही फॉलोड। ठीक है, तो आई रियली होप कि जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स, उनको श्याम की स्टोरी से थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाउ कैन दे क्रैक अ डेटा साइंस जॉब राइट फ्रॉम देयर कॉलेज। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाई श्याम, सो लेट्स स्टार्ट विथ यू, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्याम, जैसे कि नितिश ने आप सबको बताया, एक्चुअली आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, फाइनल ईयर बी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड आई एम ऑल्सो डूइंग माई BSc or you can say BS in data science from IIT Madras also. Okay. And this is all about myself. I am learning data science from around 2 to 3 years regularly. Okay. And that's all about. Okay. So, Shyam, let's start with your interview experience. So, अभी आपने जिस कंपनी में जॉब क्रैक किया है, तो कैन यू शेयर कि आपका ये पूरा का पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, राइट फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पे आपने अप्लाई किया, वहाँ से फिर कितने राउंड्स हुए और फिर ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा था ड्यूरिंग दिस एंटायर इंटरव्यू? या सो सबसे पहले एक टेस्ट होता है जो नॉर्मल सब कंपनीज लेती है। द टेस्ट वाज सिंपल इनफ दैट कोर क्वेश्चंस, कोडिंग क्वेश्चंस, सम ऑफ देम वर सीक्वल क्वेश्चंस एंड सिंपल एप्टीट्यूड एट इंग्लिश क्वेश्चंस। आई वाज एबल टू क्रैक दैट। Then, उसके बाद में दो टेक्निकल राउंड्स हुए एंड वन वाज जस्ट HR राउंड, सिंपल इनफ। एंड द टेक्निकल राउंड्स वाज मेनली फोकस्ड ऑन द बेसिक नॉलेज दैट आई हैव एंड द सेकंड वन, द सेकंड टेक्निकल राउंड वाज मोर ऑन द कॉन्सेप्ट दैट व्हाट आई हैव मेड ऑन द प्रोजेक्ट्स। ओके, एंड इफ आई एलैबोरेट, कैन यू एलैबोरेट लाइक व्हाट वर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट वर बीइंग आस्क्ड, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस, एक दो एग्जांपल्स से थोड़ा हमें आईडिया लगेगा। या जैसे पहला जो इंटरव्यू राउंड था वो नॉर्मल जो मेरे साथ बच्चे थे उनका हुआ था लगभग हाफ एन आवर और 1 आवर, बट मेरा चला था 1.5 आवर के आसपास। ओके, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी थी, इंटरव्यू देते टाइम आप एक हुक क्रिएट करो सिंपल। फॉर एग्जांपल, If they ask you what is correlation, they have asked me what is correlation. So I just didn't give the answer what is correlation. I started with what is variance, why do we need variance, then if we have variance, then why do we need correlation, covariance, simple enough like that. You need to create a hook that they will ask question from there. It's like simple or simple man questions that basic assumptions of linear regression. How you going to perform that and how you will do hyperparameter tuning, what is the difference between parameters and hyperparameters. Okay, and start from basic stats, basic ML to some advanced concepts of ML like boosting, pegging algorithms, and your videos were so much helpful at that time. Okay, so आपका जो पूरा का पूरा इंटरव्यू था, जो फर्स्ट वाला इंटरव्यू था, तो What would you say? मतलब ज़्यादा questions कौन से domain से पूछे गए? Like SQL, Python heavy था, coding heavy था, या maths heavy था, या फिर machine learning concepts heavy था? Starting में तो जो coding questions देते हैं, they were basic all around. Test में जरूर उन्होंने DP की questions दिए थे, but dynamic programming. But जब जो interview था, उनको अंदर basic array और strings ही दिए. और बाकी मैं कहना चाहूँगा इतना कुछ hard रहा नहीं. सबसे पूछा सबके बेसिक्स पूछे कि बेसिक्स कितने क्लियर है मेरे। इट्स नॉट लाइक आई नो हैवी कॉन्सेप्ट्स, दे वांट टू नो दैट हाउ आई एम क्लियर विथ माय बेसिक्स। ओके ओके, फिर आपने बोला एक सेकंड राउंड हुआ जहां पे प्रोजेक्ट रिलेटेड बहुत डिस्कशन हुआ। या तो वहां पे किस तरह के क्वेश्चंस थे और आपने मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल किया?
प्रोजेक्ट रिलेटेड सिंपल क्वेश्चंस होते हैं दैट वेयर डू यू फाइंड द डेटा सेट, व्हाट वाज योर अप्रोच, टेल मी व्हाट डेटा टेल्स यू विदाउट मशीन लर्निंग अप्रोच, मींस दैट इफ यू हैव डन ईडीए देन व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम ईडीए दैट यू हैवंट फाइंड फ्रॉम मशीन लर्निंग, एंड व्हाट मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग गिव एडवांटेज टू दैट, सिंपल दैट थिंग. एंड सम ऑफ माई प्रोजेक्ट्स वर फ्रॉम डीप लर्निंग, सो दे आस्क मी मोर अबाउट डीप लर्निंग इन दैट सेक्शन ऑल्सो. डीप लर्निंग इन द सेंस दे आस्क मी हाउ द स्टेट्स केम इन द रोल ऑफ डीप लर्निंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दैट वी लर्न वी डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू स्टेट्स और मैथ, वी जस्ट मग अप द एल्गोरिदम कोड और समथिंग, वी जस्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम यूट्यूब और सम इंटरनेट, वी डोंट अंडरस्टैंड वट इट लिटरली मीन्स. सो जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड वट डज इट मीन. इफ यू विल चेंज दिस पैरामीटर then what will happen, so these types of questions were mostly asked in the second type of interview. तो बेसिकली अगर आपने एंड टू एंड पूरा प्रोजेक्ट बनाया होगा तो आई गेस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे. हाँ, आराम से कर पाएंगे अपन. अगर अपने एंड टू एंड बनाया है तो इट विल बी वेरी इजी टू गिव द आंसर्स. तो ऑल्सो ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट वाला इंटरव्यू था, तो इसमें क्या एक सिंगल प्रोजेक्ट पे ही बात हुई या फिर आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डेमोन्स्ट्रेट किए? नो, दे हैव माई रेज्यूमे, आई हैव प्रोवाइडेड लिंक्स ऑफ माई प्रोजेक्ट इन दैट रेज्यूमे, सो उसमें से उन्होंने क्वेश्चन उठाए. जस्ट सम ऑफ माई प्रोजेक्ट्स वर द रिकमेंडेशन सिस्टम दैट आई हैव डिप्लॉयड ऑन एज्योर, सो दे वर आस्किंग द बेसिक क्वेश्चन दैट वट इज दिस, हाउ यू डिड दैट, वट डिफिकल्टीज यू फेस, द कॉमन क्वेश्चन दैट ऑल गॉट दैट, हाउ यू डिड इट, वट इज द चेंज इन दैट, या इट्स ऑल अबाउट दैट. 3 to 4 प्रोजेक्ट्स दे हैव डिस्कस्ड. And they have given me one situational question also in some project that I need to remember it. So, मतलब वो क्वेश्चन मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वो कैसा था. वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि जैसे मैंने मेरा नेटफ्लिक्स खोला, मैंने अभी तक साइन इन कुछ भी नहीं किया है, मैं जस्ट खोला हूँ, तो नेटफ्लिक्स मुझे क्या शो कर रहा है और क्यों शो कर रहा है, सो वो क्या होता है. सो एट दैट टाइम आई डोंट नो द आंसर, जस्ट आई गेस्ट, मैंने सिर्फ अनुमान लगाया उसका कि सिंपली अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो, आपका आईपी एड्रेस अगर इंडिया से आ रहा है, तो आपको सिंपल हिंदी की टॉप 10 मूवीज, इंग्लिश टॉप 10 मूवीज या मराठी टॉप 10 मूवीज दिखाएगा, ऐसे आई गेस्ट, बट आई डोंट नो द रियली व्हाट इज द आंसर. तो बेसिकली ये क्वेश्चन आ सकता है मशीन लर्निंग सिस्टम डिजाइन के अंडर में, कि हाउ वुड यू डिजाइन अ सिस्टम जिसमें मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट हो पाए. राइट, ओके. तो एक और चीज श्याम, जैसे आपने बोला आपका जो फर्स्ट राउंड था वो एक कोडिंग प्लस एप्टीट्यूड टेस्ट था, फर्स्ट तो राउंड मींस द टेस्ट स्क्रीनिंग ऑफ. टेस्ट. हाँ, हाँ, तो उसका क्या स्ट्रक्चर था एक बार वो आप बताओ. वैसे तो वो वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, बट आपका जो कंपनी में था वो कैसा था? कोडिंग क्वेश्चंस मोस्टली फ्रॉम डीपी, सीक्वल क्वेश्चंस वर बेसिक, कोर क्वेश्चंस, कोर मींस डेटा साइंस क्वेश्चंस, ओके, देन नेटवर्किंग, सम वाज फ्रॉम द ऊप्स कॉन्सेप्ट्स एंड वन वाज फ्रॉम ओएस, ओके, तो बेसिक लाइक क्वेश्चंस, नॉट सो मच हार्ड. ओके, एंड व्हाट वाज द प्लेटफॉर्म, लाइक यू वर गिवन सम सॉर्ट ऑफ कोडिंग प्लेटफॉर्म जहां पे कोड करना था, एंड देन देयर वर एमसीक्यूज आल्सो. There was a platform, I think Metal, and मेटल, that राइट, platform all the things are available. ओके. सो Means यू you कैन can आल्सो राइट code कोड्स एंड यू कैन आल्सो डू the. एमसीक्यू. ओके ओके, सो ठीक है, मतलब इंटरव्यू एक्सपीरियंस समझ में आ गया. सो फर्स्ट देयर वाज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, देन देयर वाज फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू जहां पे आपसे मशीन लर्निंग स्टैटिस्टिक्स और कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, एंड देन द सेकंड स्टेज देयर वाज प्रोजेक्ट रिलेटेड डिस्कशन, एंड लास्टली यू सेड देयर वाज एन एचआर राउंड. तो एचआर राउंड का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? HR round, it's a simple enough things. They ask you, why do you want to join our company? What are your strengths, weaknesses? Where do you see yourself in 5 years from now? There was a one interesting question. Although it's laughable, but yeah. If you have to choose one animal, what would you like to be? So, internally, I was thinking panda. Because it's like my nature, I want to sleep more. But I gave the answer like an eagle because I want to fly above the sky. That's great. सो एचआर राउंड में मेरे हिसाब से दे जस्ट वॉन्ट टू चेक कि यू आर नॉट क्रेजी,
आप कंपनी में जब आओगे तो टीम में अच्छे से काम कर पाओगे, वो बस वही चेक करते हैं। तो थ्रू आउट द दैट्स प्रोसेस व्हाई दे चेक द कन्वर्सेशनल स्किल्स, राइट 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 पर्सनैलिटी, हाउ यू गोना हाँ थ्रो योर राइट पॉइंट्स विद टीम। राइट या टीम में कैसे बिहेव करोगे बस वो चेक करते हो। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस। थोड़ा मेरे को अपने लर्निंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताओ। जैसे आपने बोला कि आप 3 साल से डेटा साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने आईआईटी मद्रास वाला भी डिग्री साइट से ज्वाइन कर रखा है अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल इंजीनियरिंग डिग्री, तो ये 3 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे आपने प्लान किया कि मुझे एक जॉब लेना है, तो व्हाट वाज द लर्निंग रोड मैप दैट यू फॉलोड। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ये थी कि शुरुआत में जैसे सब के साथ होता है, अपन भटकते हैं, जस्ट वांडर अराउंड थिंग्स, ट्राई दैट आउट। तो मैं भी ट्राई दैट आउट ही कर रहा था कि क्या मेरे लिए बेस्ट है। एंड आई एम ओके फ्रॉम द कोर इलेक्ट्रिकल, सो आई फिगर दैट आउट दैट नॉट सो मच कंपनीज आर कमिंग फॉर इलेक्ट्रिकल प्लेसमेंट, सो आई हैव टू स्विच द फील्ड। एंड देर वॉज बज अराउंड, सो मच बज अराउंड डेटा साइंस। एंड एट द एग्जैक्ट सेम टाइम इन आवर थर्ड सेमेस्टर, स्टार्टिंग आवर थर्ड सेमेस्टर, देर इज M3 कॉल्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स 3। इन दैट देर राइट इज फर्स्ट चैप्टर वाज स्टैटिस्टिक्स, सो आई जस्ट ओके ओके गॉट सो मच इंटरेस्ट इन दैट, सो आई वेंट इन टू द फील्ड। आई केम इन टू द कॉन्टेक्ट ऑफ माई प्रोफेसर दैट आई वॉन्ट टू डू मोर इन स्टेटिस्टिक्स, सो वट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। देन ही ऑल्सो गेव मी एडवाइस, गो फॉर द डेटा साइंस फील्ड, दिस इज सो मच स्कोप राइट नाउ। So from there, I just searching around the YouTube channels, articles, and at that same time again, IIT Madras launched the course. So I ओके just joined that. That also helped me. ओके So my learning process was simple enough. It's like जैसे हर कोई शुरू करता है कि शुरू में पता नहीं होता कहाँ से करना है, क्या करना है, तो सब जगह अपन देखते हैं। होता है कई बार अपन किसी यूट्यूबर के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी बैठ जाती है कि हाँ इसका कंटेंट अपने को बहुत आसानी से समझ आ रहा है, इसको देखा राइट समझ लिया जल्दी से। तो एज ए स्टार्टिंग मैंने कृष्ण नायक को फॉलो किया था, बट आफ्टर दैट जैसे जैसे मुझे डीप की जरूरत पड़ी दैट कि मुझे थोड़ा और नॉलेज चाहिए, आई स्विच टू योर चैनल, दैट वॉज वेरी ग्रेट। एंड सम ऑफ ओके द ब्लॉग्स एनालिटिकल विद्या टुवर्ड्स डेटा साइंस, they were also so much helpful. And there is a website, getting that name, ML Cafe or ML Stack Cafe, there you can get so much interview questions. So राइट I also joined that. That was again very helpful. ओके So simple मैं ये करता था, जैसे आज मैंने जैसे स्टार्टिंग में तो मैंने कुछ भी किया, मुझे पता नहीं मैंने मेरे 3 4 महीने कैसे क्या पढ़ा, लेकिन उसके बाद मैंने ये किया, जैसे आज मैंने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा, तो आई इम्प्लीमेंटेड दैट, आई वेंट टू द क्रोम एंड सर्च्ड व्हाट आर द इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन लीनियर रिग्रेशन, आई मेड अ लिस्ट, गुड ट्वेंटी स्ट्रैटेजी टू 30 क्वेश्चंस आई मेड अ लिस्ट दैट दिस टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस दैट दे विल आस्क फॉर मी, बिकॉज अगर एंड टाइम पे मैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए बैठूंगा तो वो हेल्पफुल नहीं करेगा, मैं कितना पढ़ राइट पाऊंगा। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट मेरे पास पहले से थी, मैंने दूसरों के वीडियोस बहुत देखे, जो भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस मुझे कहीं से मिलता मैं देखता उसको कि व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज, व्हाट आर द गुड पॉइंट्स दैट ही हैव, एंड व्हाट आर द रिसोर्सेज ही आर आल्सो सेइंग अबाउट। सो देयर इज अ राइट वन चैनल आल्सो, डीप लर्निंग इन हिंदी, दैट इज वेरी हेल्पफुल इन डीप लर्निंग प्रोसेस आल्सो। ओके ओके सो अपार्ट फ्रॉम दिस डिड यू ऑल्सो डू सम अदर कोर्सेज, लाइक कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज आपने कुछ और भी किया, या फिर लाइक दिस वॉज द ओनली रिसोर्स दैट यू फॉलोड, आईटी मद्रास, यूट्यूब, ब्लॉग्स एंड दैट वॉज इट। That was it. I also get advice and guidance from my professor, which is currently head of the Department of Electrical Engineering. He was also ओके mentor for me. He regularly gave me the advices. What should I do? So yeah, these are some things that I have followed thoroughly. But data science is a field that it doesn't give you the results so much fast that you are learning from 1 month, 2 month, and you will get a job. No, it's not like that. You have to work on it around 6 months or 1 year. Then वन you can ईयर say, yeah, I know a little bit about data science. Data science is not anyone has mastered. Data science is a learning process. Even though I'm आई placed, एग्री, but I am learning data science more and more. राइट 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 आई टोटली एग्री। लाइक आई हैव बीन टीचिंग डेटा साइंस फॉर लाइक ऑलमोस्ट 3 4 इयर्स,
एंड इफ यू आस्क मी मुझे कितना आता है, आई वुड नॉट रेट माई सेल्फ हायर देन 7, मतलब उस लेवल पे आई ऑपरेट, मतलब क्योंकि डेली आई कैन सी देर इज सो मच टू कंज्यूम, डेली नए पेपर्स आ रहे हैं, नई लाइब्रेरीज आ रही हैं, नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं, हर चीज समझ पाना पढ़ पाना इज सो डिफिकल्ट, यू आर राइट इन दैट वे. तो बेसिकली आपका लर्निंग स्ट्रैटेजी वॉज इनिशियली यू जस्ट डिड रैंडम थिंग्स, इवेंचुअली यू फाउंड अ प्लान, आपने एक ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई किया और साथ ही साथ आपने इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करते रहे, दैट वॉज वन ऑफ द ट्रिक्स दैट यू डिड. व्हाट अबाउट प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स आपने क्या क्या बनाए, कब से प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया, एकदम शुरू से प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया, या फिर आपने सोचा कि यार एक पॉइंट तक सीख लेते हैं उसके बाद प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी अराउंड प्रोजेक्ट्स? प्रोजेक्ट्स को लेकर ऐसा कुछ खास था नहीं। मैं जब स्टार्टिंग में लर्न कर रहा था, जो लर्न करने के साथ बेसिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं उन्हीं को ही प्रोजेक्ट समझ रहा था, कि जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन कर दिया। टाइटैनिक हाँ, तो स्टार्टिंग में मैंने उन्हीं को ही प्रोजेक्ट समझा, बट दे वर जस्ट प्रैक्टिस सेट्स, तो वो सिर्फ अभ्यास या मेरी प्रैक्टिस के लिए थे। लेकिन जैसे जैसे मुझे बाद में इंटरव्यू एक्सपीरियंस और इन सब से पता पड़ा कि मे बी यू कैन कॉपी अ प्रोजेक्ट, बट देयर हैज टू बी सम एलिमेंट ऑफ योर्स, कि वो राइट. आपने कुछ नया कंट्रीब्यूट किया है उसके अंदर। राइट. ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स उठाए मैंने, फॉर एग्जाम्पल ए रिकमेंडेशन सिस्टम, मोस्ट कॉमन प्रोजेक्ट, बट एड ए लिटिल थिंग बाय वन योरसेल्फ, बिकॉज आई नो ए लिटिल बिट अबाउट वेब डेवलपमेंट, सो मैंने उसका भी थोड़ा बहुत जोड़ा उसमें एलिमेंट। एंड व्हाट वाज दैट, एंड देयर इज अ वन प्रोजेक्ट, इट्स वाज लाइक, क्या मैं मेरे एडवांस प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकता हूँ जो डेटा साइंस से रिलेट करते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं बिल्कुल करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल. मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क्स पे। स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क्स अभी इतना फेम में नहीं आया है, क्योंकि बेसिक जो डीप लर्निंग है ना, वो अपने को टाइमली रिजल्ट नहीं देता है, इट रिक्वायर्स मोर टाइम टू गिव अस रिजल्ट। बट जो स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क है, इट गिव्स अस फास्ट रिजल्ट, बट इसमें इतना भी रिसर्च हुआ नहीं है। मेरा एक प्रोजेक्ट बेसिक इसमें भी था कि जैसे सिंपल अपन डीप लर्निंग में करते हैं, मैंने एबीसीडी का पैटर्न पहचाना, ठीक है, वैसे ही मैंने स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क्स में से अप्लाई किया था। सेम प्रोजेक्ट था, कोड चेंज था, अंदर की मैथमेटिक्स चेंज थी, लेकिन मेरे पास फास्ट रिजल्ट्स थे। ये थे मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेट्स टॉक अबाउट प्रोफाइल बिल्डिंग एंड ऑल, बिकॉज ऐसा देखा है मैंने कि स्पेशली हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का कैसा रहता है कि वी आर गुड एट क्रिएटिंग थिंग्स, लर्निंग थिंग्स, बट जब खुद को सेल सामने रखने का बात होता है या खुद को इंटरव्यूअर के सामने सेल करने की बात होती है तो वी लैग. तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी कि चलो आपका तो कैंपस में प्लेसमेंट हुआ, बट लेट्स से अगर कैंपस में प्लेसमेंट नहीं होता और आपको ऑफ कैंपस जाना पड़ता, तो व्हाट वुड हैव बीन योर स्ट्रेटजी कि मैं ऐसे अपनी विजिबिलिटी बढ़ाऊंगा रिक्रूटर मार्केट में? तो क्या किया आपने, लाइक इन टर्म्स ऑफ रिज्यूमे और इन टर्म्स ऑफ आई डोंट नो, इन जनरल प्रोफाइल बिल्डिंग आपने और क्या स्ट्रेटजी ली? प्रोफाइल बिल्डिंग का सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कि व्हाट इज योर कॉलेज और व्हाट इज योर डिग्री। आई नो इट्स अ बैड थिंग, बट ये होता है मार्केट में कि आप किस कॉलेज इंडियन से हो, मार्केट ये में वैल्यू स्कॉलर्स की करता है। बहुत वैल्यू होती है. राइट. मैंने उस प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए आईआईटी मद्रास ज्वाइन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑनेस्ट आंसर कि अगर मेरी डिग्री में आईआईटी का नाम होगा, देन देयर इज अ मोर चांस दैट रिक्रूटर विल सी माय रिज्यूमे। आई डोंट नो वेदर इट विल सेलेक्ट और नॉट, बट इट विल सी। थोड़ा ओके, टाइम देगा. हाँ, या इट विल गिव, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई मेंटेन्ड माय सीजीपीए। ओके, एंड देयर वाज सम प्रोजेक्ट्स, एंड आई हैव डूइंग आल्सो रिसर्च इन स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क्स दैट आई हैव मेंशनड अंडर माय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सो दिस वाज आल्सो प्रोफाइल बिल्डिंग थिंग, एंड आई हैव आल्सो डन लीड कोड क्वेश्चंस, जीएफजी क्वेश्चंस। ओके, आई डोंट नो द आई डोंट नो रिमेंबर माई रैंक राइट नाउ, बट आई वॉज इन द टॉप ऑफ माई कॉलेज इन टर्म्स ऑफ जी एफ जी एट दैट टाइम, दैट आई वॉज मोस्टली फोकसिंग ऑन बोथ ऑफ थिंग्स, डी एस ए एंड डेटा साइंस। सो डी एस ए इज इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रोफाइल बिल्डिंग एज ए फ्रेशर। एज ए फ्रेशर यू नीड टू शो दैट यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ सी एस, एंड इट्स ओके, एंड देर वॉज सम कॉम्पिटिशन दैट आई हैव गिवन फ्रॉम आई टी मद्रास दैट होल्ड्स, एंड आई गॉट फोर्थ रैंक इन दैट। इट वॉज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा साइंस एंड डी एस ए, इट वॉज मिक्सचर ऑफ बोथ।
ओके, तो क्वेश्चंस ऑफ बीएस एंड सम बेसिकली ऑफ यू देम। ट्राइड आउट मल्टीपल थिंग्स और आपको लगा जहां भी आपका मतलब हेल्प हो आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग में, आपने वो सारी चीजें ट्राई करी। हाँ चलिए, अब आप ये बताओ कि लेट्स से आपसे कोई जूनियर है और वो अब डेटा साइंस की फील्ड में एंटर करना चाहता है एज अ फ्रेशर, आप एक फ्रेशर हो, तो व्हाट वुड बी योर सजेशन? लाइक आपने क्या गलतियां करी जो आप रेक्टिफाई करना चाहोगे पीछे मुड़ के, ताकि थोड़ा कम टाइम लगे या फिर आप थोड़ा ज्यादा एफिशिएंटली सीख पाते? लाइक व्हाट वर योर मिस्टेक्स जो आप चाहोगे कि सामने वाला ना करे? मेरे भैया एक बात कहते हैं कि समझो किसी राजा ने किसी को सजा दी, ठीक है, उसको सजा मिली 100 कोड़ों की कि उसे 100 बार मार पड़ेगी, और अगर आपने उसको पढ़ने ही नहीं दिया, उसको पहले ही रोक दिया, तो जो पर्सन है जिसको 100 कोड़ों की या 100 मार की सजा हुई थी वो वैल्यू नहीं पहचान पाएगा। लेकिन अगर आपने उसको 10 या 15 पढ़ने दिए फिर रोका कि हाँ अब मत पढ़ने दो, तो वो पर्सन वैल्यू करेगा उस चीज की कि हाँ कि ये मैटर करता है। तो मैं कहना चाहूंगा भटकना स्टार्टिंग में बहुत जरूरी है। इट्स नेसेसरी दैट यू कैन फाइंड दैट व्हाट इज द राइट मैच फॉर यू। इफ आई विल से दैट गो फॉर द स्टेटिस्टिक्स इज द बेसिक थिंग, लेकिन भटकना जरूरी है। पहली बात, आप अपने आप को ट्राई आउट करो कि मैं कहाँ फिट होता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट यू आर द बेस्ट इन स्टेट्स, यू हैव टू बी ओके इन स्टेट्स, यू हैव टू बी गुड इन ML, बट यू हैव टू फाइंड अ स्पेसिफिक फील्ड दैट आई एम बेस्ट इन दैट। सो बेसिक मिस्टेक मेरी जो थी मैं वो बता देता हूँ। सिंपल, मैंने स्टेट्स पे फोकस नहीं किया था स्टार्टिंग में, मैंने मैथ्स पे फोकस नहीं किया था, मैं सिर्फ कोड कर रहा था। दूसरा, मैंने किसी की गाइडेंस फॉलो नहीं करी थी एट स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग के 2-3 जो मंथ थे वो मेरे यूं ही गए थे कि मैं बस यूं यू देख रहा डोंट हैव हूँ, अ मेंटोर, आपके पास मेंटोर या नहीं था कोई? मेंटोर नहीं था, प्रॉपर एक गाइडेंस का सिस्टम नहीं था। देन माय HOD सर केम इनटू द पिक्चर एंड आई आल्सो फॉलोड योर चैनल, सो दैट हेल्प्ड मी, बिकॉज़ एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है तो आप उसके थ्रू अच्छा कर सकते हो। गॉट मेक ए इट। स्ट्रक्चर्ड प्लान, मोस्ट फोकस ऑन स्टैट्स, मैथ्स रादर देन कोड, बिकॉज इवेंचुअली कोड तो हो जाएगा, बट स्टेट्स का अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो विल बी वेरी हेल्पफुल इन द जॉब मार्केट, क्योंकि एक तरीके से आपको सेग्रीगेट कर देता है मोस्ट ऑफ द भीड़ से जो आपके साथ कम्पीट करने लग रही है, क्योंकि लोगों को डर लगता है स्टेट्स मैथ की क्या चीज आ गई, ये तो कुछ अलग ही था। क्योंकि मैंने मेरे जो दोस्त देखे वो DS मतलब डेटा साइंस में शिफ्ट कर रहे थे, उनका मेन रीजन यही था कि इसमें कोडिंग इतनी हैवी नहीं आती, लेकिन उनको ये नहीं पता था इसमें स्टेट्स इतनी हैवी हो जाती है। तो यस, मैथ्स बहुत हैवी हो जाती है। तो टेक्निकली यू वुड सजेस्ट कि मैथ्स अच्छे से प्रिपेयर करो, बिकॉज इवेंचुअली लॉन्गर रन में इट विल हेल्प यू बिकम अ बेटर डेटा साइंटिस्ट। मैथ्स इन द सेंस हाउ यू विल इंप्लीमेंट, नॉट लाइक फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला मगअप करके उसके 3 सवाल करने से मतलब नहीं है। जैसे मैंने पढ़ा अप्लाइड लीनियर करना है। ट्रांसफॉर्मेशन, या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पढ़ा, अब वो है क्या? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स से कैसे रिलेट कर रहा है? तो वो सब चीजें दिमाग में बैठनी चाहिए कि हाँ ये कैसे चलता है। इट्स नॉट मैं फॉर्मूला याद करके बता रहा हूँ कि दिस इज फॉर्मूला, नो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स कि आप उसे कैसे डेटा पे इम्प्लाई कर रहे हो। सो बेसिकली तीन लर्निंग जो मुझे समझ में आई आपकी साइड से, पहला थोड़ा तो खुद भटको और अपने हिसाब से कस्टम प्लान बनाओ अपने लिए, अपनी समझ के हिसाब से। पॉइंट नंबर टू, आपने बोला कि एक मेंटोर अगर मिलेगा तो बहुत हेल्प होगा, गाइडेंस की जरूरत है। एंड थर्ड वुड बी कि मैथ्स पे फोकस करो, सिर्फ कोडिंग के पीछे जाते हैं लोग, बट मैथ्स इज इक्वली और मोर इम्पॉर्टेंट। यही आपके तीन मेन पॉइंट्स आई गेस। ठीक है फिर, आई गेस इतने ही क्वेश्चंस पूछने थे मुझे, एंड यू रियली गेव ऑल द आंसर्स वेरी वेल। एंड आई थिंक मतलब कोई भी अगर ये वीडियो देखेगा, स्पेशली फ्रेशर है, तो इट वुड हेल्प। ठीक है, तो या ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अभी तो आप ज्वाइन करोगे शायद नेक्स्ट ईयर, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड आई रियली होप आप एक बहुत सही डेटा साइंटिस्ट बनो इंडस्ट्री में। ठीक है, थैंक एंड रियली ऑल द बेस्ट।